एक तरफ आरएसएस का हेडक्वार्टर होगा, लेकिन दूसरी तरफ दीक्षा भूमि है, यहाँ का एटमॉस्फेयर हरदम धर्मनिरपेक्षता का एटमॉस्फेयर लगा रहा है। मुझे लगता है कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव ये अलग अलग होते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नागपुर से आते हैं, काफ़ी उम्मीदें उनसे लोगों की थी, लेकिन उम्मीदों की पूर्तता हुए वे कर नहीं सके। विदर्भ से आते हैं, विदर्भ के बारे में बातें करते थे, सरकार आएगी हम अलग विदर्भ पृथक विदर्भ करके देंगे, लेकिन वो बातों को उन्होंने नज़रअंदाज किया है। और मैं समझता हूँ कि जो जितने वादे उन्होंने किए यहाँ पर, जैसा कि उन्होंने कहा था कि जितनी जनसंख्या है विदर्भ की, वो जनसंख्या के आधार पर जो नागपुर पैक्ट हुआ था, वो पैक्ट के तहत मैं रोजगार उपलब्ध कराऊंगा। रोजगार तो उपलब्ध कराया नहीं है उन्होंने, उल्टा यहाँ की शिक्षा संस्थाएं बंद होने लग गई है, ना बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई है, ना कुछ किसी प्रकार का डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है। तो वो पूरी तरीके से किसान भी यहाँ पर एक प्रकार से दुखी दिख रहा है, आत्महत्या करने पे प्रवृत्त हो रहा बार बार। तो ये तमाम बातें अगर आप देखेंगे तो प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकम्मी हुई है विदर्भ को न्याय दिलाने में, यही कहना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे कि दूसरी ये भी है कि संजय निरुपम ने पार्टी के खिलाफ नाराजगी जताई है कि उन्होंने एक टिकट मांगी और वो भी नहीं दी। देखिए, टिकट मांगना हर किसी का अधिकार होता है और टिकट देने का अधिकार हाईकमांड के पास होता है। एक बार टिकट में हम सोच सकते हैं कि कोई भी टिकट मांगे, लेकिन टिकट बंटने के बाद पार्टी की निष्ठा ये महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो यहाँ पर पार्टी के निष्ठा का प्रश्न है। अगर आप निष्ठावंत लॉयलिस्ट कांग्रेसी अगर है, तो जो भी निर्णय हुआ होगा, चाहे बुरा हो या भला हो, आपने उसको पचाना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और नए सिरे से पार्टी को बढ़ाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि एक बड़े भाई के नाते संजय निरुपम जी के, और कांग्रेस में मैंने काफ़ी साल मेरे ज़िंदगी के बिताए हैं, मुझे लगता है कि वे कृपा करके पार्टी की छवि को दुरुस्त करने के लिए प्रयास करें। आज भी उनको मानने वाला बड़ा वर्ग मुंबई में है, वे अगर काम करेंगे पार्टी के लिए तो निश्चित रूप से दुरुस्ती होगी। ये उनका ही आरोप है कि पार्टी जो है उनको निकालना चाहती है, इस तरह के इसलिए इनके विश्वास को टिकट नहीं। मैं सब मैं मानता नहीं।